नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर बिगे पगड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में, देसी अंदाज। 20 दलन ने विरोध करो है, और काय को विरोध करो है? संसद, जो नई संसद बनी है, वाके उद्घाटन के मौके पर शामिल होने को विरोध करो है। क्यों करो है? उनको कहना है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 28 तारीख को उद्घाटन करेंगे, वो उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जो हैं उनसे करवाना चाहिए हो। क्या मामले में सारे के सारे बसपा की तरफ को बड़ी नजरन से देख रहे? अब बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट के माध्यम से बिल्कुल क्लियर कर दी हो कि जो उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, और यहां में कोई बुराई ना है। और अगर द्रौपदी मुर्मू के नहीं आप कर रहे हो, कह रहे हो, तो आप राजनीति कर रहे हो। जब वो इलेक्शन लड़ रही तो निर्विरोध उन्हें जितवाते, उनके प्रति कैंडिडेट खड़ो ना करते, तो ठीक ही। तो बसपा सुप्रीमो के ऐसे ट्वीट आए हैं, या तो क्या असर पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा कि तो आप बेहतर जानो, लेकिन कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं जो विपक्ष है, बाकी जो एकता महसूस करी जा रही, वहां में बसपा सुप्रीमो शामिल नहीं हुई और अपनी अलग लाइन खींच दी बसपा सुप्रीमो ने। क्या है पूरा मामला, आ जाओ। नए संसद के उद्घाटन कार्यक्रम को कांग्रेस समेत 20 दलन ने बहिष्कार करो है। यहां में समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और अन्य दल शामिल है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने विपक्ष से यह मामले में दूरी बना ली है। पूर्व सीएम मायावती ने गुरुवार को ट्वीट कर कही है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा नए संसद को उद्घाटन नहीं कराए जाने को लेकर बहिष्कार अनुचित है। हालांकि राजनीतिक हलचल में मायावती के यह समर्थन को उनकी मजबूरी माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों को कहना है कि बसपा के कुछ सांसद ऐसे हैं जो अभी से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के फिराक में है। ऐसे में मायावती अपने सांसदों को कोई मौका नहीं देना चाह रही, वो पार्टी छोड़कर जाएं। दीगर है कि बसपा के सांसद मलूक नागर ने बीते दिनों कही कि उन्हें यह उद्घाटन से कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने एक न्यूज चैनल से कही कि मैं संसद भवन के उद्घाटन को विरोध नहीं कर रहा। नई संसद भवन के उद्घाटन पर बसपा सांसद मलूक नागर ने कही कि ये ऐतिहासिक क्षण है, या को विरोध गलत है। विपक्ष यदि सही बात और मुद्दिन को विरोध नहीं करेगा तो कमजोर रह जाएगा। उन्होंने कही कि देश में बड़ी संसद बननी चाहिए ही, जो अब बन गई है ये तो अच्छो है। बसपा सांसद ने कही कि ऐसे ऐतिहासिक क्षण है, या पर भी राजनीति करोगे तो देश को कैसे मजबूत करोगे। राष्ट्रपति को आमंत्रण किए जाने के सवाल पर मलूक नागर ने कही कि जो लोग राष्ट्रपति को नाम लेकर विरोध कर रहे हैं कि सब तब कहां है जब उनके खिलाफ चुनाव लड़ो जा रहा हो। या के अलावा जौनपुर के बसपा के सांसद श्याम सिंह यादव भी कई मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नेतान के साथ दिख चुके हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद श्याम सिंह यादव कई मौके पर बीजेपी की प्रशंसा कर चुके हैं। मायावती ने कही कि केंद्र में पहले चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या वर्तमान में बीजेपी की, बीएसपी ने देश में जनहित निहित मुद्दे पर हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठ के उनको समर्थन करो है, तथा 28 मई को संसद के नए भवन के उद्घाटन को भी पार्टी यही संदर्भ में देखते हुए वाको स्वागत करे है। बसपा नेता ने कही कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा नई संसद को उद्घाटन नहीं कराए जाने को लेकर बहिष्कार अनुचित। सरकार ने या को बनाया है या के लिया उनके उद्घाटन को वाको हक है। याकू आदिवासी महिला सम्मान से जोड़ना भी अनुचित है। ये उन्हें निर्विरोध न चुनकर उनके विरोध उम्मीदवार खड़ो करते वक्त सोचना चाहिए हो। पूर्व सीएम ने कही कि देश को समर्पित रहने वाले कार्यक्रम अर्थात नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह को निमंत्रण मौकू प्राप्त हुआ, जाके नहीं आभार, मेरी शुभकामनाएं, किंतु पार्टी की लगातार जारी समीक्षा बैठक संबंधी अपनी पूर्व निर्धारित व्यस्तता के कारण मैं समारोह में शामिल नहीं है पाऊंगी। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि आप विरोध कर रहे हो तो आप विरोध करते रहो, मेरे विरोध करने को कोई मतलब ना है। संसद सरकार ने बनाई है तो सरकार को, प्रधानमंत्री जी को हक है कि वो अपना उद्घाटन करें। अब क्या सही है क्या गलत है, हम यह लफड़े में ना पन्ना चाह रहे। हमने आपको बता दिया, आप कैसे समझ रहे हो या आपको कमेंट के माध्यम से हमें बताने की भी कोशिश करो, ठीक है? और खबर अगर सही लग रही है तो आगे को भेजो, और
लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब ना करो तो सब्सक्राइब कर लो, अपने मनोबल को बढ़ा लो, हमारे भी बढ़ा दो, बस इतनी सी चाहत है। नई वीडियो में बहुत जल्दी फिर दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन कमेंट को हम आपके इनको इंतजार करेंगे, कमेंट जरूर करके बताइए क्या आगे फैसला जो बसपा सुप्रीमो ने लियो है सही है या गलत है। नई वीडियो में बहुत जल्दी आपके सामने फिर हाजिर होंगे, जब तक के नहीं आप देसी देख बिगर ब्रेक पर लाग लगे बिल्कुल देसी अंदाज। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।